नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और आज मैं ये खासकर वीडियो ले आया जिसका टॉपिक होने वाला है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसा हमारा जो सोशल हैंडल्स है वो क्या कल से सच में बंद होने वाला है। इसके ऊपर आज का ये वीडियो जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछले फरवरी की महीनों में भारत सरकार की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जारी किया गया था, जिनके लिए ये सोशल मीडिया हैंडल्स 3 महीने का वक्त सरकार की पास से लिया था, जिसका आखिर का दिन है 25 मई। भारत सरकार की तरफ से दोस्तों हम जो यूजर्स हैं उन लोगों के सेफ्टी के लिए कुछ डिजिटल एथिक कोड का डिज़ाइन किया गया, जिनके ऊपर इन जो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको एक नोटिस दिया गया कि जो सभी इन सोशल मीडिया हैंडल्स के यूज़र्स हैं उन सभी का कंटेंट जांच किया जाए, और अगर वहां से कुछ फेक कंटेंट, फेक मैसेजेस या भालगर कंटेंट या ऐसा कुछ थंबनेल मिलता है जो हमारे कम्युनिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, उन सभी कंटेंट के ऊपर एक बाधा लगाया जाए। उन सभी कंटेंट के लिए अगर किसी यूज़र्स को कोई दिक्कत हो रहा है और वो अगर उन कॉम्प्लेंट्स को दाखिल करता है तो उसके ऊपर 7 या 14 दिन के अंदर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, या उनका एक कोई ऐसा ऑफिसर हो जिनके पास जाके ये कॉम्प्लेंट किया जाए कि ये भालगर कंटेंट है, कि ये कम्युनिटी को हार्म कर रहा है, ऐसा कुछ रिव्यू के लिए भेजा जाए। तो दोस्तों जो सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के पास जब ये नोटिस गया तब सभी ने अपने हेडक्वार्टर से कनेक्ट किए और इनके बारे में बात करने लगी। आखिर में दोस्तों क्या वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार हमारे सभी इंडियंस पेरेंट्स को था कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी बंद हो जाए। दोस्तों हो भी सकता है कल से सब कुछ बंद हो जाए। इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो फिर से थोड़ा सा टाइम देने के लिए दरख्वास्त किए हैं, और जिस सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का हेड ऑफिस USA में है वो सभी अपने हेड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करने का बात किए हैं दोस्तों। सो फिर देखते हैं अब क्या होता है। तो जिन लोग YouTube के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर पड़ते हैं जो YouTube ने पहले ही अपने अंदर क्रिएट कर लिया था, पहले ही एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके ज़रिए हर एक कंटेंट रिव्यू किया जाए। तो दोस्तों ऐसा हो भी सकता है आपका हर एक कंटेंट अब जज किया जाएगा, अब देखा जाएगा आपका कंटेंट कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हार्म कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ऐसा हो भी सकता है अगर वो सोचे तो फिर बात करने के बाद उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को थोड़ा अपडेट किया जा सकता है, उनका फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ अपडेट आ सकता है। हो सकता है उन सभी लोगों के पास कोई सुपरविजन का एक्शंस भी लिया जाए। सो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर उन सभी लोग नहीं करते हैं तो उन सभी सोशल मीडिया के ऊपर सरकारी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है दोस्तों। आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहिए क्या होता है। ये हमको भी नहीं पता, जो लोग जानते नहीं थे कि भाई एक्चुअली में ये हुआ क्या है उन सभी के लिए ये वीडियो मैं ले आया। तो दोस्तों आज का वीडियो था यहीं तक, फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ। आशा करते हैं सबका सभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।